इश्क में तड़पने का मजा ही कुछ और है, कुछ और है। बस इतना ही था मेरा। तकदीर है ये। मैंने पूछा सबा जी ये कौन है, कहती है ये अमीर है। जैसे उनकी मर्जी, जैसे आप खुश रहे ना करो तुसी प्रोग्राम तो बाद चले जाना सी कन्ना जवाई दे। तो फन की उस बराज पे पहुंच चुकी है कि हूं तक कितने लड़ाई भी हो रही है मल्ले च। अच्छा लगता है तने के अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है चीख मार के ते बागी हो जाए फिर कमली हो जाए। मैं भी सरदार साहब का काम देखे, मैं भी चीख निकल गई। आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं। थैंक यू, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। आमीन। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। आप क्या करती हैं? प्यार। सारी जिंदगी आपने प्यार देने की, प्यार बांटने की, प्यार की बात करने में गुजारी, वफा कम मिली आपको? कोई बात नहीं है, लोग बेवफाई करते रहे, हम वफा सिखाते रहेंगे। उनका भी कसूर नहीं है ना, उन्होंने दुनिया से यही सीखा है। हाँ। उनका भी तो बैगेज है। अगर मैं भी नहीं समझूंगी तो उनको समझ कैसे आएगी? धर्म की इज्जत करती हैं आप बहुत ज्यादा। खुश इंसान हमेशा दूसरों को खुशी देता है, नाराज इंसान दूसरे से नाराज ही रहता है। इमाम, मैं बहुत खुश हूँ आजकल। लेकिन अगर खुशी की वजह बता देंगी प्लीज। आपने मेरा नाम नहीं लेना भाई, मिल जाए ये भी सबसे बड़ी खुशी होती है। बड़ी गल हुई। पता नहीं आप लोग इतने जेलस क्यों, उनकी आंखों में देखे मैं नजर आ रहा हूँ। तो सामने बैठा जेड़ा होएगा वही नजर आ रहा। क्या बात है सभा जी? यस। नहीं आने वाली लड़कियां बहुत अच्छी हैं। कंटेनर भर भर के आ रहे हैं। इस कंटेनर में से अगर आप कहें कि सबसे अच्छा इजाफा है, क्वालिटी पीस, क्वालिटी बेस्ड, देयर आर सो मेनी एक्चुअली। एक तो बड़ी ना इंसाफी हो जाएगी। दो, चलो दो कर लेते हैं। आई थिंक इकरा अजीज। और वो मेरी प्यारी, बहुत ही प्यारी यमुना जैदी। अरे तो ऑफ कोर्स यू इमरान। अरे तो क्या लो, दूसरा नाम जाहिर बहुत अच्छा है, जाहिर अहमद। तो सभा जी को दो नाम याद आए, सभा जी के लिए तालियां। मोहब्बत 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 कहां गई? मोहब्बत 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 इंसानी कदरें कहां गई? बेलाश मोहब्बत कहां गई? और कहां से आई ये दौलत की हवस? ट्रू। आदाब। और मैं आपसे माजरत करना चाहता हूं मैडम, मैंने शादी कर ली है। अरे मेरे घर वालों का बहुत जोर था। माजरत ना करें, शादी का सीजन चल रहा है। ये कहीं इशारा तो नहीं दे रही है? पानी लेकर आओ बेटा भाई के लिए। पानी लेकर आओ। अच्छा बर्फ भी डालो। वो कुछ फरमा रहे थे मोहब्बत। दौलत की हवस कहाँ से आ गई? हाँ। दौलत जिसने इंसान को इंसान से बेगाना कर दिया। रिश्तों के दरमियान एक लकीर खींच दी दौलत ने। नफ्सा नफ्सी का आलम है और लोग तो ताल्लुक भी उससे बनाना चाहते हैं जिसके पास दौलत है। रियली? और एक शेर मैंने लिखा है बहुत खूबसूरत, इरशाद। बहुत ही कम नजर आया मुझे इखलाक लोगों में। बहुत ही कम नजर आया मुझे इखलाक लोगों में, ये दौलत बट गई हो जैसे बहुत खास लोगों में। इंसान वही है जो सिर्फ प्यार से बोले ओले 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 ओले। ओले ओले ओ
बोले। मैं बहुत अच्छा शेर सुनाया है। सुना सुना सही बात है। थैंक यू। पैसा 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 बहुत कुछ होता है मगर सब कुछ पैसा नहीं होता। नहीं। तो कुछ नहीं होता। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे भी आ जाते हैं जहां पैसा नहीं रिश्ते काम आते हैं। वाह, सो ट्रू। ये शेर मैंने लिखा है, अमीर से है ताल्लुक ना गरीब से है, सुकून कलब मयसर सिर्फ नसीब से है। क्यों बन जाते हैं लोग दौलत परस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। Thank you.